हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया। तो आज हम पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया ऑक्यूपाइज ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया बट सपोर्ट्स 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। क्या मतलब है इसका कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड का 2.4% जो एरिया है वो ऑक्यूपाई करता है, बट वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 70% जो पॉपुलेशन है वो भी इंडिया के पास ही है। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया स्टूड एट 1.21 बिलियन इन 2011 सेंसस। मैं 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो 1.21 बिलियन के आसपास है। ठीक है, और जो 40% जो इंडियंस हैं वो यंग हैं, 15 ईयर एज से एज तक के हैं। ठीक है, और जो 17% है वो पॉपुलेशन जो है इंडिया में वो विलेजेस में लाइव करते हैं पीपल। ठीक है, तो मोर देन 550,000 विलेजेस में जो इंडिया के 70% पॉपुलेशन है वो रहती है, और बाकी के जो बचे हुए हैं वो सिटीज या फिर टाउन में रहते हैं। तो इंडिया जो है वो 25 मिलियन पीपल्स जो है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसमें 25 मिलियन इंडिया ऐड कर रहा है उसमें। ठीक है, तो मतलब इंडिया में 25 मिलियन पॉपुलेशन पर ईयर बढ़ रही है। तो इंडिया हैज़ बिकम सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना टू क्रॉस द 1 बिलियन मार्क। ठीक है, तो इंडिया एड अबाउट, मतलब इसका क्या मतलब है कि इंडिया जो है उसमें 2001 से लेकर 2011 के बीच में 181 मिलियन पर्सन को ऐड किया है टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन में। ठीक है, टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन में, सॉरी नहीं, सिर्फ इंडिया की पॉपुलेशन में जो 2001 से लेकर 2011 तक की है उसमें 181 मिलियन पर्सन ऐड हुए हैं। ठीक है, जो कि ब्राज़ील की जो पॉपुलेशन है उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, और जो इंडिया है वो फिफ्थ मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री में शामिल हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड की फिफ्थ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज में है इंडिया। ठीक है, और इंडिया है जो चाइना को भी ओवरटेक कर सकता है पॉपुलेशन कंट्रीज़ में बाय 2030, मतलब 2030 तक चाइना को ओवरटेक कर जाएगा इंडिया पॉपुलेशन में। तो उस टाइम क्या होगी, जो पॉपुलेशन होगी इंडिया की वो एक्सपेक्टेड 1.53 बिलियन पीपल्स हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं एज पर इंडियन सेंसस फॉलोइंग पॉपुलेशन ट्रेंड्स आर ऑब्जर्व। तो कौन कौन से पॉपुलेशन ट्रेंड्स हैं इंडिया में, तो फर्स्ट है अमंग द मेजर स्टेट, मतलब जो मेजर स्टेट है उनके अकॉर्डिंग बिहार जो है वो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है बिहार में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश है वो भी मोस्ट पॉपुलेशन स्टेट है। ठीक है, विद 16.70% इंडियन पॉपुलेशन। ठीक है, उसके बाद में महाराष्ट्र भी जो है वो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट में से आता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की पॉपुलेशन की 9.47% है, और जो बिहार की है वो 8.07% है। उसके बाद में जो लोवेस्ट ग्रोथ है वो पॉपुलेशन की वो केरला में है। ठीक है, तो केरला में इसकी जो है वो 9.42% है। ठीक है, और उसके बाद में तमिलनाडु में भी लोवेस्ट ग्रोथ है पॉपुलेशन की 11.19%। उसके बाद में आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में कितने परसेंट है, 13.86%। उसके बाद में थर्ड है वेस्ट बंगाल। उसके बाद में थर्ड जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो है वेस्ट बंगाल इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट, मतलब जो वेस्ट बंगाल है वो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है। ठीक है, पूरी कंट्री में, जो कि जिसमें कि 904 पर्सन स्क्वायर फीट किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से वहाँ पे जो है वो पॉपुलेटेड है। ठीक है, उसके बाद में बिहार में भी है
वो है 880% पर स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद में सेक्स रेशियो, तो नंबर ऑफ फीमेल्स पर, मतलब सेक्स रेशियो को कैसे देखते हैं कि मेल्स, जो मेल है 1000 मेल है उनमें फीमेल का नंबर कितना है। तो जो 2011 की सेंसस थी उसमें जो पर 1000 मेल में फीमेल्स थी वो 933 थी, ठीक है, जो कि राइज हुई है। जो जो 1991 की जो सेंसस थी उसमें फीमेल्स थी वो 927 थी, लेकिन 2011 में 933 हुई है। तो जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है वो है 1058, वो केरला में रिपोर्टेड हुआ है, ठीक है। और हरियाणा जो है वो लोवेस्ट सेक्स रेशियो है फीमेल्स का, इसमें 861 है, ठीक है, पर 1000 मेल्स फीमेल्स, जो 861 फीमेल है पर 1000 मेल्स में। उसके बाद में जो लिटरेसी रेट है इंडिया की वो 65.38% बीइंग 75.85% एंड 54.16% रेस्पेक्टली फॉर द मेल्स एंड फीमेल। मतलब क्या है कि जो टोटल इंडिया की जो लिटरेसी रेट है वो तो 65.38% है, ठीक है, और जो मेल्स फीमेल्स के जो परसेंट हैं लिटरेसी रेट में वो मेल्स में 75.80% है और फीमेल्स का 54.16% है। और जो केरला है वो हाईएस्ट, उसमें हाईएस्ट लिटरेसी रेट है केरला में, तो 90.92% है, ठीक है। और जो बिहार है उसमें लोवेस्ट लिटरेसी रेट है 47.53%, ठीक है। उसके बाद में है पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, तो ये तो हमने पढ़े पॉपुलेशन ट्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स। तो एक्सेसिव पॉपुलेशन के कारण बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि फर्स्ट है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो एक्सेसिव पॉल्यूशन पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण और अर्बनाइजेशन के कारण बहुत एडवर्सली इफ़ेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट पे, ठीक है, और जो हेल्थ है, पीपल्स हेल्थ है, उन पर भी बहुत एडवर्सली इफ़ेक्ट पड़ता है। तो और जो लैंड पे प्रेशर है, प्रेशर ऑन लैंड्स एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड होल्डिंग ड्यू टू एक्सेसिव पॉपुलेशन, ठीक है। तो जो प्रेशर है लैंड पे, प्रेशर है और जो फ्रेगमेंटेशन है, विखंडन है लैंड का, वो भी बहुत एक्सेसिव पॉपुलेशन के कारण बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है कि जो सेकेंड पॉइंट जो है इसमें वो है कि जो फिशरीज है उनका कोलेप्सिंग हो रहा है, मतलब जो मछली पालन है वो भी समाप्त हो रहा है, और जिसके कारण और उसके बाद में श्रिंकिंग फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट है वो भी श्रिंक हो रहे हैं, लॉस ऑफ प्लांट हो रहा है, एनिमल स्पीसीज जो है वो भी पॉपुलेशन के कारण उनका भी समाप्त, वो भी समाप्त हो रही है, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट जो है वो है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, ठीक है, पॉपुलेशन की वजह से। तो ग्लोबल वार्मिंग किस लिए हो रही है, ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल ड्यू टू एक्सेसिव पॉपुलेशन, ठीक है, एक्सेसिव पॉपुलेशन की वजह से जो फॉसिल फ्यूल हो रहा है उस वो भी उसका भी इंक्रीज यूज हो रहा है, ठीक है, और जिसके कारण भी एडवर्स इफेक्ट हो रहा है पॉपुलेशन पे, ठीक है। जो कोस्टल रीजन है इन डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब कोस्टल रीजन में जो तटीय क्षेत्र हैं उनका भी वो फ्लडिंग, मतलब उनका भी जो है तटीय क्षेत्र है वो भी, मतलब उनका भी जो एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है उनके ऊपर भी, ठीक है, जैसे कि विद इंक्रीज ऑफ फ्लडिंग, फ्लडिंग में इंक्रीजमेंट हो रहा है, वहाँ पे कोस्टल इरोजन हो रहा है, रिड्यूस कोस्टल क्रॉप लैंड हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिलियन पीपल लिविंग नियर द कोस्ट, ठीक है, जो कोस्ट के नियर में रहते हैं उनका भी, उन पीपल्स का भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और उसके बाद में जो फिफ्थ पॉइंट है वो है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इज ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ डेवलपमेंट विद रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ डिस्टर्ब इकोलॉजिकल बैलेंस इन इंडिया, ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस का भी इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में तो सिक्स पॉइंट है देर इज पोचिंग एंड इलीगल हार्वेस्टिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ,
मतलब इसका क्या मतलब है कि अवैध शिकार होना, ठीक है, तो अवैध शिकार और इलीगल जो हार्वेस्टिंग मतलब जो कटाई होती है वो भी ज़्यादा हो रही है, ठीक है, और जो फॉरेस्ट हैं उनमें ये सब ज़्यादा हो रहा है, तो रिसोर्सेस हैं वो भी, जो फॉरेस्ट में जो रिसोर्सेस हैं वो भी उनका भी डीफॉरेस्टेशन हो रहा है, मतलब जो वन रहित हो रहे हैं, ठीक है, जो फॉरेस्ट हैं वो उनकी भी समाप्ति हो रही है, जो लैंड है वो भी वन रहित हो रही है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेसिव बायोमास बर्निंग कोज लार्ज स्केल इंडोर पॉपुलेशन, तो एक्सेसिव बायोमास बर्निंग के कारण भी लार्ज स्केल पे इंडोर पॉपुलेशन हो रहा है। उसके बाद में सेवन पॉइंट है ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है उसका देर इज डिग्रेडेशन ऑफ एक्वेस्टिक इकोसिस्टम फ्रॉम डोमेस्टिक सीवेज पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, ठीक है, तो जो डोमेस्टिक सीवेज है, पेस्टिसाइड है, ये सब है, ये भी इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद में है अर्बनाइजेशन, तो पॉपुलेशन प्रॉब्लम का सेकेंड पॉइंट है अर्बनाइजेशन, तो अर्बनाइजेशन में इंडिया है अर्बन पॉपुलेशन वो डबल हो रही है ड्यूरिंग लास्ट टू डिकेड में जो अर्बन पॉपुलेशन है वो डबल हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं, तो अर्बन रीजन है वहाँ पे स्लम्स पोजिंग हो रही है, जो कि सीरियस चैलेंजिंग है, ठीक है, देर इज़ इनएडिक्वेट और बेसिक मिनिमम सर्विसेज, ठीक है, और इसकी वजह से वहाँ पे इनएडिक्वेट और बेसिक जो मिनिमम सर्विसेज हैं जैसे कि घर, पानी की सप्लाई, सीवेज, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, ये सब भी इनएडिक्वेट हो रहा है, ठीक है, और देर इज़ इन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, और इसके वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज वेस्ट जनरेशन एंड पुअर वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज एंड इंक्रीज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कॉजिंग एयर पॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद में है वाटर सप्लाई, तो इन इंडिया ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ वाटर विदड्रॉल इज एस्टिमेटेड टू बी ट्वाइस द रेट ऑफ एक्वीफर रिचार्जेस, एज ए रिजल्ट वाटर टेबल्स आर फेलिंग, ठीक है, द टैपिंग ऑफ डीपर एक्विफर्स हैज रिजल्टेड इन नेवर हेल्थ हैजार्ड सच एज हाई फ्लोराइड और आर्सेनिक कंटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, इट इज एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन फूड प्रोडक्शन एंड ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है फूड स्कारसिटी, देर हैज बीन रिडक्शन इन द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ पल्सेस एंड कोआस ग्रेन्स, ठीक है, तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है पल्सेस और कोआस ग्रेन्स की भी, वो भी कम हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिकल ग्रोथ, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इम्पेडेड इकोनॉमिकल ग्रोथ बाई पुटिंग प्रेशर ऑन द अवेलेबल रिसोर्स, ठीक है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसका इम्पैक्ट होगा कि वो जो अवेलेबल रिसोर्स क्या क्या है उन पे भी वो प्रेशर डालेगा, ठीक है, तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा कि जो पर कैपिटा इनकम है उसमें उसका रिडक्शन होगा, ठीक है, और रिसोर्सेस विद ओवरऑल डिटोरिएशन ऑफ क्वांटिटी लाइफ एंड इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद में है हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रही है इंडिया में उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उसके कुछ वेरियस मेथड हैं। पहला है यूज ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट स्पेशली टू असेप्टर एंड मोटिवेटर ऑफ फैमिली प्लानिंग, ठीक है, तो सबसे पहले जो फैमिली प्लानिंग है वो हमको करनी चाहिए, उसके लिए मोटिवेट करना चाहिए फैमिली प्लानिंग के लिए, जिससे कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो कम हो सके। उसके बाद में प्रमोट फीमेल एजुकेशन, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट, फीमेल के एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को भी प्रमोट करना चाहिए थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट,
उसके बाद में इनक्रेज डिले मैरिज, ठीक है, डिले मैरिज को भी इंक्रेज करना चाहिए। उसके बाद में इंक्रीजिंग द एज ऑफ गर्ल एंड बॉय फॉर मैरिज, ठीक है। उसके बाद में स्टार्ट मोर फैमिली प्लानिंग सेंटर्स टू मेक अवेलेबल सर्विसेज रिलेटेड टू फैमिली प्लानिंग, ठीक है, फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज को भी प्रोवाइड करना है। उसके बाद में यूज ऑफ मीडिया टू एनकरेज पीपल टू अडॉप्ट स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद में अवेलेबिलिटी ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड थ्रू वेरियस आउटलेट, ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग को भी अडॉप्ट करना है। उसके लिए जो अवेलेबल मेथड है वो देखने हैं, जैसे मतलब कहाँ कहाँ फैमिली प्लानिंग मेथड अवेलेबल हो सकते हैं, जैसे कि सब सेंटर PSC CSE पर, ठीक है। तो ये है कैसे कैसे कंट्रोल किया जाए और इंडियन पॉपुलेशन को। तो ये हमने पढ़ लिया पॉपुलेशन ट्रेंड्स इंडिया एंड पॉपुलेशन प्रॉब्लम एंड हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। ओके, थैंक यू।